फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, टू माय अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज यहां पर हम सीखेंगे छह प्रकार के फ्रैक्शन नंबर सिस्टमों का कन्वर्जन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल, एंड बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनरी को ऑक्टल में और हेक्सा में। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्सा में। यहाँ पर हम बात करते हैं हेक्सा को बाइनरी में और हेक्सा को ऑक्टल में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी के कन्वर्जन के लिए दो प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जिसका यूज आपके जो आपके डीसी एग्जाम होता है, जिसमें डिटेल में आंसर लिखी जाती है, वहां पर यह मेथड यूज में लाया जाता है। और जहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जिनमें हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम आते हैं, तो वहाँ पर इस टेक्निक का आपको यूज नहीं करना है। और इस टेक्निक का यदि आप यूज करोगे वहाँ पर, तो आपका समय वहाँ पर बर्बाद होगा। तो उसके लिए हम मेथड टू का यूज करेंगे, तो हो सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम कन्वर्जन की। तो यहाँ पर हमारा कोई बाइनरी नंबर है, इसको हम बदलना चाहते हैं यहाँ पर ऑक्टल में, एंड बाइनरी को यहाँ से बदलना चाहते हैं हम हेक्सा में। तो यहाँ पर बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्सा में जाने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो यहाँ पर जाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, और यदि है तो वो शॉर्टकट मेथड है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जाने की टेक्निक। तो यहाँ पे पहले हमने नंबर लिया कोई 110.11, जो हमारा कोई बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को हमें बदलना है यहाँ पर ऑक्टल नंबर में। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल में, और डेसिमल से हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर ऑक्टल। तो जब भी कोई बाइनरी नंबर को डेसिमल बदलना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है जो इससे पहले यूज किया गया, उसमें टेक्निक बताई गई, और ये टेक्निक मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो इस नंबर को सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम इंडिविजुअल लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम 0, 1, 2 एंड यहाँ पर -1, -2, और इन नंबर को इंडिविजुअल 1, 1, 0, 1, 1, और इनके साथ 2 का हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब चेक करें जो भी डेसिमल की वैल्यू है पहले, उसको हम पावर लगाएं 0, 1, 2, एंड डेसिमल की बाकी वैल्यू उसकी पावर लगाएंगे -1 एंड -2, एंड लास्ट में इन सभी एक्सप्रेशन को हम प्लस कर देंगे। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी 1, 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, एंड यहाँ पर वैल्यू 1/2, एंड यहाँ वैल्यू 1/4, 4 + 2, 6 प्लस 0.5 + 0.25, यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 6.75। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में, या फिर हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर किसमें, हेक्सा डेसिमल में। चलिए, तो आप इसे ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इसे आप हेक्सा डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस नंबर को ऑक्टल और हेक्सा में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 6.75, इसे हम बदलना चाहते हैं ऑक्टल, सेम टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 6, तो 6 को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर ऑक्टल में, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी कोई डेसिमल नंबर में ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर पहले हम पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट, इस पार्ट को हम डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे, और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 में हमने दिया 8 का डिवाइड, कितनी बार जाएगा 0 बार, रिमाइंडर क्या आया 8, जो हो गया हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर 6। अगेन 0.75, अब इसको हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ पे आएगी हमारी कैरी,
तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 कैरी आई 4 एंड 8 7 56, 56 प्लस 4 60 0 और कैरी आई 6। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सॉल्व होगी नहीं, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 0 0, यानी हमारा आंसर आ गया और इस आंसर को हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम, तो आंसर आएगा 6.6 इन ऑक्टेन। इसी प्रकार से अब हम इसको चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में, सेम टेक्निक, तो यहाँ पर 6.75 डेसिमल कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हम 6 में देखेंगे भाग, कितनी बार आएगा 0 बार, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लाई बाय 16, तब कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 पंजे 80 की 0 आंसर आएगी 8, 16 सत्ते 112, 112 प्लस 8 120 की 0 और कैरी आई 12। अब यहाँ भी 0 हो गया, यानी इसमें भी आ गए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आएगी 0। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे इसे हम, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 6.12। अब 12 तो एग्रीडेशन में होता नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं सी, 6.C हमारा एग्रीडेशन। तो इस प्रकार से हमने सीखा यहाँ पर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसका यूज हम ज्यादातर उन जगह पर करेंगे जहां पर कोई हमसे डिटेल में आंसर चाहता है, यानी उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहता है, और जिसको डायरेक्ट आंसर से मतलब है तो वहां पर मेथड टू का भी यूज कर सकते हैं। अब आती है यहाँ पे हमारी बात ऑक्टेल से, तो यहाँ पर हमने ऑक्टेल लिया, ऑक्टेल को हमें किसमें बदलना है बाइनरी में, एंड ऑक्टेल को किसमें बदलना है हमें यहाँ पर हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर ऑक्टेल से बाइनरी, ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें डेसिमल में, एंड उसके बाद कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर इसे हम बाइनरी में या हेक्साडेसिमल। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई भी ऑक्टेल नंबर हमने लिया है, पर 42.63 जिसको हम बदलना चाहते हैं यहाँ पर बाइनरी में या फिर इसे हम बदलना चाहते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, तो इनको बदलने से पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे डेसिमल, और डेसिमल से हम यहाँ पर जाएंगे इसमें बाइनरी में एंड हेक्साडेसिमल में। चलिए तो यहाँ पर ऑक्टेल से इसको बदलने के लिए सेम मेथड है, उसके पहले हम पावर लगाएंगे 0 1 -1 एंड -2 एंड यहाँ पर 4 2 6 3 सभी डिजिट को हम इंडिविजुअल लिखेंगे एंड प्रत्येक डिजिट के साथ हम बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बेस 8 8 8 एंड 8 और यहाँ पर पावर लगाएंगे हम राइट टू लेफ्ट 0 1 एंड -1 -2 लेफ्ट टू राइट एंड लास्ट में हम प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर करते हैं हम सॉल्व, चलिए देखते हैं, तो 8 की बार 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 की बार 1 पावर यानी 1 मल्टीप्लाई यानी 32 प्लस 6 अपॉन 8 एंड 3 अपॉन 60। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं इसे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने रफ लिया और 6 में 8 का भाग दिया, तो इसमें 6 में हम 8 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगा 0.0, कितनी हो जाएगा 8 7 56 0 एंड 0 8 5 40 हमारी वैल्यू आ गई 0.75 अगेन 3 64 यहाँ पर 0.00 एंड 0 3 लगभग 4 बार यहाँ पर 4 4 4 16 6 8 एंड 4 6 24 25 एंड 25। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर वैल्यू है हमारी 4 एंड 4 एंड 0 कितनी बार जाएगा लगभग 5 बार, तो यहाँ पर 5 6 20 0 आंसर 2 और 5 6 5 का 30 30 2 32 और ज़्यादा भी आ सकता है 6 का देखते हैं।
यहाँ पर 6 6 24 की 4 5 से 2 36 प्लस 2 38 यहाँ पर हमारी वैल्यू 6 एंड 13 में से 8 गए 5 एंड यहाँ पर और भी जा सकता 7 टाइम्स तो यहाँ पर इसकी 8 और 7 28 की 8 5 से 2 7 6 42 से 2 46 ज़्यादा हो गया यानी 6 बार यहाँ पर 6 24 की 4 5 से 2 और 6 36 और 2 38 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 13 में से 8 गए 5 बस और 56 ओके अगेन और ही भाग दे सकती हो एक और निकली थी यहाँ पर 0 7 कर लेते हैं चलिए चलो अब ये आगे बढ़े वैल्यू इनको यहाँ पे लिखते हैं 32 प्लस 2 प्लस 0.75 प्लस 0.466 इन्हें यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 34 और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 0.6697 तो जी आगे हमारे यहाँ पर डेसिमल अब डेसिमल नंबर को यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में तो इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में हेक्साडेसिमल हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों मेथड एक साथ यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाम आगे बात करते हैं 34 एंड 0.7966 आप चाहो तो 7 भी कर सकते हो राउंड फिगर में लिख सकते हो 7 हमारा यहाँ पर डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी तो यहाँ पर 34 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पर 17 0 एंड 8 1 एंड यहाँ पर 4 0 एंड 2 2 जा 4 0 एंड यहाँ पर अंडरस्टैंड तो हमारा बॉटम टू टॉप एंड यहाँ पर रिमाइंडर यूज किया 797 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर यूज करेंगे हम मल्टीप्लाई तो यहाँ पर यूज करेंगे मल्टीप्लाई का 27 14 4 आंसर लाइक 8 एंड 29 18 19 1 27 14 15 5 कैरी आई 1 अगेन 2 2 4 8 2 9 18 कैरी आई 1 2 बाय 10 और 1 11 अगेन और भी कर सकते हो आप 2 8 16 6 कैरी आई 1 16 प्लस 17 7 कैरी आई 1 2 1 2 एंड यहां पर कैरी आई 1 3 और भी सॉल्व करना है तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो और इसे हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम तो हमारे आंसर क्या आएगा यहां पर 1 0 0 0 1 0 0.110 इस प्रकार से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं यही प्रोसेस यूज करेंगे अब हेक्साडेसिमल के साथ जहां पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था 2 का डिवाइड किया था वहीं पे हम 16 का मल्टीप्लाई 16 का डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं यहां पर तो यहां पर हमने नंबर लिया यहां पर कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल तो 34 डिवाइड बाई 16 2 बार जाएगा रिमाइंडर इज 2 चलिए एंड यहाँ पर 0.797 मल्टीप्लाई 16 क्या तो यहाँ पर 16 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार जाएगा यहाँ पर 16 7 112 की 2 आंसलाई 11 16 9 144 144 और प्लस 11 यानी 155 155 की 5 आंसलाई 15 16 7 112 112 प्लस 15 आंसलाई 127 की 7 और यहाँ पर आई कैरी आपकी 12 अगेन 16 2 32 की 2 आंसलाई 3 और 16 5 80 और 3 83 आंसलाई 8 और 16 7 112 प्लस 8 यानी 120 अगेन
रिपीट हो रही है वैल्यू, आप एक बार और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा टॉप टू बॉटम लिख सकते हो। वैल्यू इज 22 पॉइंट। अब 12 को एज अ डेसिमल क्या बोलते हैं हम, सी। यहां पर 22.cc हमारा आंसर। तो यहां पर हमने सीखा ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना एंड ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अब एक नंबर स्टोन हमारा बचा है यहाँ पर हेक्साडेसिमल, सेम मेथड ही यूज होगा वहां पर भी। एक बार और देख लेते हैं उसको एग्जांपल के रूप में। चलिए आज देखते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना एंड हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल को हम बदलते हैं यहाँ पर ऑक्टेल में, सॉरी बाइनरी में एंड ऑक्टेल। वो सेम टेक्निक, सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे डेसिमल, उसके बाद बाइनरी में या फिर ऑक्टेल। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर ए 5 और 2 ए, यहाँ पे ई ले लिया। चलिए और यहाँ पर जब आए डेसिमल, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल। तो इनको कन्वर्ट करने से पहले हम कहाँ पे जाएंगे डेसिमल में। तो यहाँ से हम कन्वर्ट करते हैं पहले हम डेसिमल में, अगेन बाइनरी या ऑक्टल। तो वही सेम टेक्निक, पहले इसकी प्लेस वैल्यू इनको इंडिविजुअल लिखेंगे हम, ए 2 5 2 एंड ई, एंड उसका मल्टीप्लाई बाई 16 16 16 एंड पावर। डेसिमल से पहले राइट टू लेफ्ट 0 1, डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट -1 एंड -2 एंड लास्ट में प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए, ए की वैल्यू क्या बोलते हैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 16 एंड 5, 16 का 0 यानी 1, 2 अपॉन 16 प्लस ई, ई को क्या बोलते हैं यहाँ पर 14, ए 10 बी 11 सी 13 डी सी 12 डी 13 और ई 14। नाउ 14 अपॉन 16 और 2 यानी 256। चलिए सॉल्व करते हैं, 160 प्लस 5 एंड यहाँ पर 216, तब मैं सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 16 और 0 एक बार जाएगा 4, यहाँ पर 0 दो बार जाएगा एंड यहाँ पर 8 एंड 5 बार जाएगा, वैल्यू आई 0.125। अगेन इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर अपने 14 सॉरी 256 40 पॉइंट 0 भाग नहीं जाएगा 0, आपके जो जाएगा 2 6 25 4 यानी लगभग 4 बार देखती है। तो यहाँ पर 1024, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 4 यानी यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, अगेन एक बार जाएगा यहाँ पर जाएगा 5 बार जा सकता था 5, देखते एक बार 5 से 0 25 25 26 27 28 2 और 5 10 2 12 10 अब तक। चलिए 0 10 में से 8 में 2 और 3 में से 1 पॉइंट 0 अब नहीं आया 4 1 10 24 यहाँ पर 6 और आपके 9 में से 2 में 7 एंड यहाँ पर 8 और यहाँ पर अगेन आप और भी बार दे सकते हो। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू 0.054, इसको सॉल्व करते हैं 165 पॉइंट, यहाँ पर 9 यहाँ पर 7 यहाँ पर 4, जी आ गई हमारी यहाँ पर डेसिमल वैल्यू। अब इस डेसिमल वैल्यू को हमें बदलना है यहाँ पर किसमें, बाइनरी में, और इसको हमें कैसे बदलना है ऑक्टल। चलिए देखते हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 65.179 को बदलना चाहते हैं बाइनरी में और यहाँ पे इसको बदलना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम 165 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर और
179 मल्टीप्लाई बाई चलिए यहाँ पर कैरी और यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर कैरी कितनी बार जाएगा यहाँ पर 8 बार एंड 2 या 4 रिमाइंडर इज 1 अगेन 2 4 जा 8 1 0 अगेन 21 0 आगे मैं देख लूँ यहाँ पर एंड इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 9 18 1 2 7 14 और 1 15 एंड 2 1 एंड 0 अगेन 2 8 16 एंड 2 5 10 11 की 1 एंड 2 3 6 और 7.0 2 6 12 2 और 3 एंड 2 7 14 एंड यहाँ पर और भी सॉल्व कर सकते हैं आप वैल्यू आई हमारी 1 0 1 0 1 0 1.001 आ गया हमारा यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन। किसी भी हेक्साडेसिमल को हम इस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सेम टेक्निक हम यूज करेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल के लिए ऑक्टेल के लिए। तो जिस जगह पे हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था अब उस जगह पे हम 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 165 डिवाइड बाय 8 एंड 0.179 मल्टीप्लाई बाय 8 चलिए रिमाइंडर इन कैन आर 16 एंड 0 एंड रिमाइंडर इज 5 और 8 16 एंड रिमाइंडर इज 4 ठीक है जी। और यहाँ पर चले पॉइंट और सॉल्व करते हैं 8 9 72 आंसर लगे 7 8 7 56 57 58 59 60 61 62 63 6 8 9 8 अच्छे 14 4 आंसर एक और 8 16 6 आंसर 1 और 8 24 और 25 5 2 एंड 832 और 2 34 4 और भी सॉल्व करना है तो आप और भी सॉल्व कर सकती हो। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकती हो वैल्यू इज 2 4 5.1 जा रहे हमारे यहाँ पर ऑक्टल नंबर। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का नंबर सिस्टम चाहे वो बाइनरी हो चाहे वो ऑक्टल हो चाहे वो हेक्साडेसिमल हो चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो फ्रैक्शन नंबर सिस्टम हो हम इस टेक्निक के माध्यम से इन्हें कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी को